दोस्तों, मैं रंजीत कुमार, टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण के बारे में बताने जा रहा हूं। यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर सब्जेक्टिव दोनों तरह का प्रश्न जो है बोर्ड के एग्जाम में और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित रूप से पूछता है। मैं रेलवे में, SSC में, बिहार पुलिस में, दरोगा परीक्षा में, स्टेनोग्राफर में या शिक्षक भर्ती परीक्षा में, UPSC में निश्चित रूप से इस टॉपिक पर आधारित प्रश्न जो है पूछा जाता है। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को लेकर के विद्वान जो हैं उनमें मतभेद है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण निम्न है। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ उसको लेकर के अलग अलग विद्वानों का अलग अलग जो है मत है, उनमें मतभेद है। आइए देखते हैं कौन कौन सा जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। पहला, नदी का बाढ़। सर्वश्री मार्शल मैके एवं SR राव हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण नदी का बाढ़ बताते हैं। अधिकांश नगर जो है नदियों के किनारे बसे हुए थे जिनमें हर साल बाढ़ आता था। मार्शल महोदय को मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण जमा बालू के साक्ष्य मिले हुए हैं। मैके महोदय को चनहुदड़ो से बाढ़ के साक्ष्य मिले हुए हैं। SR राव को लोथल से बाढ़ के साक्ष्य मिले हुए हैं। यानी इन विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है नदी के बाढ़ से हुआ होगा। नदी में बाढ़ आ गया होगा जिससे जो है यहाँ के लोग जो है दब आ गए होंगे, यहाँ का सभ्यता का पतन हो गया होगा। दूसरा जो है बाहरी आक्रमण। मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, पीगर इत्यादि विद्वान जो है बाहरी आक्रमण को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया और वहाँ के लोगों की हत्या की गई। व्हीलर के अनुसार 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा सभ्यता के नगरों को ध्वस्त किया और वहाँ के लोगों को मार डाला। यानी ये विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है बाहरी आक्रमण से हुआ होगा। यानी बाहर के लोग जो है यहाँ पर लूटने के लिए आए होंगे, यहाँ पर लूटपाट किए होंगे, यहाँ के लोगों को मार डाले होंगे या बार बार आक्रमण होता होगा जिससे यहाँ के लोग जो है यहाँ का स्थान छोड़ करके दूसरी जगह चले गए होंगे और इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। व्हीलर के अनुसार 1500 ईसा पूर्व जो है यहाँ पर आर्यों ने आक्रमण किया था और हड़प्पा सभ्यता के नगरों को लूटा था और यहाँ के लोगों को मार भी डाला था। तीसरा कारण जो है जलवायु परिवर्तन। RN स्टाइन, AN घोष इत्यादि विद्वान जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन मानते हैं। इन विद्वानों का मानना है कि जलवायु में परिवर्तन हो गया होगा, क्लाइमेट यहाँ का चेंज हो गया होगा, लोगों के रहने लायक यहाँ जलवायु नहीं रही होगी जिससे यहाँ के लोग जो है इस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह चले गए होंगे और इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। चौथा कारण जो है जल प्लावन। MR साहनी जैसे विद्वान जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण जल प्लावन मानते हैं। यानी इनका यह मानना है कि यहाँ पर जो है जल का जमाव हो गया होगा भारी बारिश के कारण या नदी के बाढ़ के कारण या किसी अन्य कारण से जल का जमाव होने से यहाँ के लोग जो है इस स्थान को छोड़ करके चले गए होंगे या जल में जो है डूब गए होंगे जिससे इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। पांचवा कारण नदियों के मार्ग में हुआ परिवर्तन। माधव स्वरूप वत्स एवं ST लैम्ब्रिक नामक वैज्ञानिक जो है यह मानते हैं कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो जाने से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। यानी इस विद्वान का मानना है कि नदी हड़प्पा सभ्यता में जो भी नगर थे वो नदियों के किनारे बसे हुए थे और नदियों का मार्ग जो है बदल गया होगा जिसके कारण जो है यहाँ के लोगों को कई तरह की कठिनाइयाँ आ रही होंगी, इसलिए लोग जो है इस स्थान को छोड़ करके फिर दूसरी जगह नदी के किनारे जा करके बस गए होंगे जिससे जो है यहाँ हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। छठवां कारण भूकंप से नगर का पतन। कुछ विद्वान हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण जो है भूकंप मानते हैं। यानी इनका यह मानना है कि भूकंप आया होगा जिससे जो है यहाँ पर जो है लोग जो है उसमें दब गए होंगे, मर गए होंगे या इस स्थान को छोड़ करके चले गए होंगे जिससे इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। सातवां कारण मलेरिया और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदा। KUR केनेडी जैसे विद्वान जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण मलेरिया एवं महामारी जैसे प्राकृतिक आपदा को मानते हैं। इनका यह मानना है कि मलेरिया एवं महामारी जो है फैला होगा यहाँ पर जो है जिसके कारण जो है यहाँ के लोग जो है मर गए होंगे या इस स्थान को छोड़ करके चले गए होंगे जिससे इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। इस प्रकार से सभी विद्वानों के मतों पर विचार करते हुए BB लाल का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, व्यापार में आई भारी गिरावट, प्रदूषित वातावरण इत्यादि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बना। यानी BB लाल जो है इन सभी विद्वानों के मतों पर विचार करते हुए वो बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण जो है जलवायु परिवर्तन रहा होगा,
व्यापार में आई भारी गिरावट रहा होगा, प्रदूषित वातावरण रहा होगा, जिससे जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। आप देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के दृश्य को, किस तरह से जो है बंजर जो है वह पड़ा हुआ है, वीरान सा पड़ा हुआ है हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई नामो निशान जो है नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह से जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को आप जान गए होंगे। हमारा मेहनत पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे जो है मेहनत का लाभ जो है सभी विद्यार्थी उठा पाएँ और बोर्ड के एग्ज़ाम में और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है टॉपर बने, सफल बने, यही हमारा जो है उद्देश्य है। हम जो है कोई कमी जो है नहीं छोड़ रहे हैं। यह जो टॉपिक जो भी बताया जा रहा है वो एक टॉपर को ध्यान में रख करके बताया जा रहा है। इस टॉपिक पर जो है कई जो है किताबों से विचार प्रमाण को लेकर के कई भी किताबों का अध्ययन करके जो है यह टॉपिक जो है इस पर जो है आपको जो है लेक्चर जो है सुनाया जा रहा है, दिया जा रहा है, नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपको हमारा मेहनत पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।